हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली डिजिटल क्लास। दोस्तों, फिर से एक और बार मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इश्यू किया है ई इनवॉइस के बारे में। हमें यहां पर नोटिफिकेशन दिया है, नोटिफिकेशन नंबर है 189 और 22 अप्रैल को ये गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया था। उसके ये ई इनवॉइस के बारे में गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये ई इनवॉइस क्या है। शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को टैली डिजिटल क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आते बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन, GST के अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये नोटिफिकेशन नंबर है 189 जनरेशन ऑफ इनवॉइस के बारे में यहाँ पर बताया गया है और इसकी डेट है 22/4 को GST पोर्टल पर ये अप्लाई GST पोर्टल पर ये नोटिफिकेशन आ गई थी। तो ये क्या है, चलिए दोस्तों देखते हैं। विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पेंट अथॉरिटी, अ कमिटी ऑफ ऑफिसर्स ऑन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस थ्रू GST पोर्टल हैज़ बिन कॉन्स्टिट्यूट। द कमिटी ऑफ ऑफिसर्स जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस थ्रू GST पोर्टल। कंपेंट अथॉरिटी की अप्रूवल होने के बाद GST पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस की सुविधा उपलब्ध कर दी जाएगी। ये कमिटी ऑफ ऑफिसर्स जो यहाँ पर बताया गया है सेल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, यहाँ पर मेंबर्स जो दिए गए हैं उसके कमिटी ऑफ ऑफिसर्स जो है वो यहाँ पर इसके बारे में ई इनवॉइस के बारे में अलग अलग कंट्री में जाकर इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बारे में अकाउंटिंग की अलग अलग सिस्टम के स्टडी करेंगे। इसके बाद GST यहाँ पर इंडिया में एप्लीकेबल, ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो सकता है। तो देखते हैं कि इसके मेंबर कौन कौन से हैं। डॉक्टर राजीव रंजन कन्वर्नर है इसके कमिटी ऑफ ऑफिसर्स के, डॉक्टर राजीव रंजन ये कन्वर्नर है, बाकी सब यहाँ पर मेंबर है। टोटल 12 मेंबर है और एक कन्वर्नर है। तो इसमें बताया गया है, नीचे यहाँ पर दिया गया है, टू स्टडी एंड एग्जामिन द इलेक्ट्रॉनिक टैक्स इनवॉइस सिस्टम ऑफ साउथ कोरिया, लैटिन अमेरिका एंड अदर रिलेवेंट कंट्री। साउथ कोरिया और लैटिन अमेरिका जैसी कंट्री में जाकर ये मेंबर जो है वो स्टडी करेंगे, एग्जामिन करेंगे इसके रिगार्डिंग ई इनवॉइस के बारे में। टू एग्जामिन एंड सजेस्ट द टारगेट टैक्सपेयर एंड थ्रेशोल्ड लिमिट, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट भी होगी, एदर ऑन द बेसिक ऑफ द टर्नओवर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन और वैल्यू ऑफ इनवॉइस, इसकी कितनी वैल्यू पर ये ई इनवॉइस आपको ई इनवॉइस बनाना होगा, कितनी टैक्सेबल वैल्यू पर। फॉर जनरेटिंग इनवॉइस नंबर और कैप्चरिंग इनवॉइस डिटेल थ्रू GST पोर्टल ऑफ एनी अदर मेथड, GST पोर्टल पर आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। इसके बाद टू एग्जामिन एंड सजेस्ट वेदर इम्प्लीमेंट अ सिस्टम ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस नंबर वुड हेल्प इन डिस्प्लेइंग विथ द रिक्वायरमेंट ऑफ ईवेबिल और मॉडिफिकेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ ईवेबिल और कंबाइनिंग बोथ इनवॉइस एंड ईवेबिल। ई इनवॉइस के आने के बाद इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, इसकी रिक्वायरमेंट हिसाब से ईवेबिल को मॉडिफिकेशंस किया जाएगा, सिंप्लीफिकेशंस और कंबाइंड कर दिया जाएगा। इसके बाद टू एग्जामिन एंड सजेस्ट इंटीग्रेशन ऑफ ई इनवॉइस नंबरिंग विथ डिफरेंट अकाउंटिंग सिस्टम एंड चैलेंज दैट मे बी फेस्ड इन दिस रिगार्ड्स, इसके बारे में डिफरेंट अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस की जाएंगी, इसके स्टडी करा जाएगा। फिर कौन करेगा स्टडी, तो यहाँ पर ऊपर आपने देखे मेंबर्स जो भी है वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया ई इनवॉइस के बारे में। ई इनवॉइस जीएसटी गवर्नमेंट क्या कहती है ई इनवॉइस के बारे में, कब वो एप्लीकेबल होगा, ये तो गवर्नमेंट ने अभी हमें कुछ बताया नहीं है। तो आज के इस वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो आपको अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्द से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आते बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशंस, जीएसटी की अपडेट्स और एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।